जलंधर के सिविल हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से नर्सिंग स्टाफ द्वारा मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने के नाम पर पैसे कमाने के दोष लगे हैं। ट्रोमा सेंटर की नर्स पूजा ने कहा कि उन्होंने इस बाबत मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जांच के लिए शिकायत दी है। ट्रोमा सेंटर की नर्स पूजा ने कहा कि डॉक्टर चरणजीत ने उनकी ड्यूटी कहीं और बदल दी थी, जिस कारण वह अपनी यूनियन लीडर के साथ डॉक्टर चरणजीत से मिली, जिन्होंने पूजा को तसल्ली देकर भेजकर नर्सिंग यूनियन की प्रधान को कहा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को शिफ्ट करने के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। और पूजा ने कहा कि डॉक्टर चरणजीत ने उनके चरित्र पर उंगली उठाई है, जिसकी जांच के लिए उसने अपनी ओर से एक लिखित शिकायत जलंधर की मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दी है, ताकि निष्पक्ष जाँच हो और उसे इंसाफ मिले। गल इदा हुई सी कि पिछले दिनों दे विच विच ड्यूटी जड़ी ओ चेंज की गई सी ट्रॉमा दे विच स्टाफ दी, ते उदे विच मेन अखबार च लिखा गया सी जी रैफर करन दी वजह नाल, जबकि साडे को रैफर करन दी कोई अथॉरिटी नहीं, स्पैशली स्टाफ नर्सिस को ये एलीगेशन लगाया गया सी। इत्थे डॉक्टर चरणजीत ने अपनी ये गल कही सी कि मैं स्टाफ नूं ट्रेंड करन करके शिफ्ट किया, जो नैक्सट डे असीं आए हैं असीं आके सानूं पुछया कि सर साडी ड्यूटी क्यों चेंज की गई है, सानूं ये गल कही गई मेरी नर्सिंग एसोसीएशन की प्रधान प्लस नर्सिंग सिस्टर के नाल आए असी, तो सानू ये गल कही गई कि मैं अपनी मर्जी ना की है ड्यूटी चेंज, असी ये गल सुनी है असी उठ के बाहर आ गए हैं, ठीक है जी। जबकि रौला इस गल का सी कि अखबार जी खबर आई कि असी रैफर करते हैं, ठीक है, एक सर मैं ये गल जो कही है सर भड़क पे है, ठीक है, उन्होंने ये गल कही है कि हाँ ये तेरी कंप्लेंट नहीं, जबकि मैनू कोई रिटर्न के मेरी कोई कंप्लेंट आई नहीं, मेरे को जे मेरी कंप्लेंट आई सी तो वह मैनू इनक्वायरी मार्क कर दे ताकि उस गल की पुष्टि होंगी। दूसरे नंबर पर जो असी कमरे चो बाहर आ गए हैं तो साड़ी प्रधान जी नर्सिंग एसोसीएशन की है उन्होंने तो मेट्रन साढ़े मैम ये गल कही गई कि पूजा 1 से 1.5 लाख रुपया महीना प्राइवेट चो कमीशन लै रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल भेजण की रैफर करन की। अच्छा जी, इस गल की जो नॉलेज मेरी प्रधान हुई उन्हें बाहर आके मैंने ये गल कही कि तेरी ड्यूटी तां कट रहे हैं कि तू इदा कमीशन लै रही है, तां करके उस गल्लू वापसी जो मैं उन्होंने पूछण आई हाँ तो मैंने डॉक्टर चरणजीत ने जो जवाब दिता, उन्हें कहा कि इदा सानू कहना पैंदा है सर मैनू ये दस्या जाए कि 1 से 1.5 लाख रुपए की जी कमीशन का एलीगेशन तुम लगा रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता। दूसरे नंबर पर वो दौरान ही कल ही मैं पता लगा है कि इन्होंने मेरे करैक्टर लैके भी उंगल उठाई कि मेरे पोलिटिकल लीडर्स के नाल रिलेशन ने किन्होंने डॉक्टर चरणजीत ने, ठीक है जी, और मैनू इस गल की बहुत ज़्यादा मैंटली हरासमेंट है और मैं बहुत परेशान हाँ। मेरा 13 साल का बेटा जरा मेरे नाल रह रहा, असं 10 साल तो कले रह रहे हैं और इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक लेडी इन्ना परेशान कर रहा यदा की नतीजा होएगा। मैं यही चीज़ की मांग करती हाँ कि जी कंप्लेंट इन्होंने की है या मेरे से इन्होंने एलीगेशन लगाया वो पूरी पुष्टि की जाए। पहले नंबर पर मैं एम एस मैम लैटर दे दी हुई है, उस में सारे एलीगेशन लिखे हुए हैं जो इन्होंने मेरे से लगाए ने उन्हें प्रूव किया जाए। इस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि उन्हें लिखित में पूजा की ओर से शिकायत मिली है, जिसे उन्होंने सीनियर डॉक्टर स्कोर मार्क कर दिया है, जो उन्हें 1 हफ्ते में रिपोर्ट बनाकर देंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आज मिले सी, उन्होंने मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है, जो उन्होंने कंप्लेंट है वो मैं हाले डिटेल असी नहीं पढ़ी, मैं अगे मार्क करती इंक्वायरी जो भी उन्होंने अपनी लिखिया एलीगेशन मेरे से लगिया इन्ना मैं पता लग गया, तो मैं अपने सीनियर मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर गुरिंदर बीर है, एक डॉक्टर कुलविंदर कौर है, पीपी यूनिट विच दो लेडी सीनियर डॉक्टर्स है, उन्होंने मार्क करती है तो विद इन अ वीक मैनू रिपोर्ट देंगे, उस तो बाद आप देखांगे। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।